करण जौहर के चैट शो पर ये क्या कन्फेस कर गए सैम बहादुर। वेल, हस्बैंड सेलिब्रिटी हो या फिर कॉमन मैन, उसको वाइफ गुस्सा होने पर जिस वर्ड से बुलाती है वो होता है एग्जैक्टली सेम। केजो के शो में क्या यही कहना चाहते थे विकी कौशल? और फिर जब विकी के साथ काउच शेयर करने पहुंची है कियारा आडवाणी, तो फिर उनकी मैरिड लाइफ के सीक्रेट्स भला रिवील होने से कैसे रह जाते? तो केजो के शो में विकी कौशल और कियारा आडवाणी क्या कुछ रिवील करने जा रहे हैं, उसी की झलक हम आपको आगे दिखाएंगे। करण जौहर के चैट शो का 8th सीजन अब तक रहा है बेहद धमाकेदार, और आने वाले एपिसोड की जो झलक सामने आई है उसने विकी कौशल और कियारा आडवाणी के फैंस का दिल जीत लिया है। करण जौहर के चैट शो में काउच शेयर कर रहे विकी कौशल और कियारा आडवाणी ने सबसे पहले बात शो के प्रोमो में नजर आ रहे विकी के हिलेरियस कन्फेशन की। विकी बताते नजर आए कि वाइफ कैटरीना कैफ उन्हें घर पर किस नाम से बुलाती है। विकी ने कहा बू, बेबी, और फिर विकी ने फाइनली वो निकनेम रिवील किया जो हस्बैंड्स को अंदर तक हिला देता है, और वो वर्ड था ए। अब जिस अंदाज में विकी ने रिवील की है ये बात कि कैटरीना उन्हें कैसे बुलाती है, वो सुनकर फैंस अपनी हंसी नहीं रोक पा रहे हैं। कियारा आडवाणी भी नहीं रही कन्फेशंस के मामले में जरा भी पीछे। जैसे ही करण ने कहा कि सिद्धार्थ मल्होत्रा और विकी कौशल पिछली बार उनके शो में एक साथ नजर आए थे, इस पर कियारा ने रिवील किया कि शो में आने से ठीक पहले सिद्धार्थ ने उन्हें रोम में किया था प्रपोज। इस पर विकी सिद्धार्थ की तारीफ करने से नहीं चूके और कहा सिड प्लेड इट रियली वेल। वैसे बता दे कि ये तो अभी सिर्फ प्रोमो में नजर आई झलक है, फिर भी कियारा और विकी के कई बड़े कन्फेशंस का इशारा यहाँ मिल रहा है। करण के शो में गेस्ट कन्फेशंस में कॉफी शॉट्स भी लेते दिख रहे हैं। केजो ने जब विकी और कियारा से पूछा कि उनके और उनके पार्टनर के बीच कौन है ज्यादा मेसियर, तो दोनों ने हैप्पीली ले लिया कॉफी शॉट। वहीं जब कियारा से पूछा गया कि क्या उन्होंने चेक करने के लिए कभी चुराया है सिड का फोन, तो कियारा ने कहा कि वो फोन चुराती नहीं बल्कि डायरेक्टली सिड के फोन में झांक कर देख लेती है कि बात किससे हो रही है। मतलब कियारा और विकी अब जब केजो के गेस्ट बनकर काउच पर आए हैं, तो केजो जरूर कुछ ऐसे कन्फेशंस करवाएंगे जो बनाएंगे हेडलाइंस।